हेलो फ्रेंड्स, आज हम चल पड़े हैं एक ऐसे स्थान के लिए जो अपने आप में काफ़ी दिव्य है और प्राचीन है। आज मैं हूं अपनी पूरी टीम के साथ में, तो यह है सक्षम जैन, जो कि शूटिंग के बाद में एडिटिंग करते हैं और जो प्रॉपर तरह से आप लोग देखते हैं उसे पूरा करने का श्रेय इसको जाता है। और साथ में मेरी टीम के मेम्बर्स हैं तनिष्क, और यह है लवी सकलेचा, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये छोटा है ये बड़ा है। और इधर हमारी टीम की खास मेंबर है सीमा जैन, और हमें जो ये पूरा रास्ता बताते हैं या जो नई नई जगह हैं जिनका हमें पूरा ज्ञान मिलता है वो है हमारे बहुत अच्छे, काफ़ी घूमने का शौक़ रखते हैं और कई जगह घूमते रहते हैं और जहाँ घूम के आते हैं हमसे शेयर करते हैं, और फिर हम पूरी टीम के साथ में चल पड़ते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ नई चीज़ों के साथ में। तो हम बढ़ रहे हैं एक नए शूट के साथ आप लोगों के लिए। भारतवर्ष की भूमि जहाँ कणकण में राम बसते हैं, प्रभु बसते हैं, शिव शंकर बसते हैं, हमारा प्राचीन इतिहास जो साहित्यों में दर्ज है, आज ऐसे भव्य स्थानों को देखने के बाद लगता है कि वो सत्य है, प्रमाणिक है। ऐसा ही स्थान इंदौर से 35 से 40 किलोमीटर दूरी पर अखिलेश्वर धाम के नाम से बजरंगबली और महादेव के रूप में स्थित है, जहाँ विगत 35 वर्षों से अखंड रामायण चल रही है और जिसका कि ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है। आइए दर्शन करते हैं आज अखिलेश्वर महादेव के। हम खड़े हैं अखिलेश्वर मठ अखंड रामायण मंदिर पर, जहाँ 35 वर्षों से सतत अखंड रामायण चल रही है और सिद्ध हनुमान प्रभु यहाँ विराजित हैं। दर्शन करते हैं अंदर चल के हनुमान जी के, महादेव के, और अखंड रामायण और साथ में पांडवकालीन बावड़ी के। हम दर्शन कर रहे हैं सिद्ध हनुमान मंदिर, जो कि स्वयंभू मंदिर है, विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर, एक हनुमान जी की प्रतिमा जिनके हाथों में शिवलिंग है और चरणों में उन्होंने आहिर रावण को दबा रखा है। आइए दर्शन करते हैं उस महान मुहूर्त के, उस महान हनुमान साक्षात प्रभु के। जय श्री राम। साथियों, आज हम मौजूद हैं अखिलेश्वर महादेव हनुमान सिद्ध मंदिर पर, एक ऐसा मंदिर जिसका गिनीज रिकॉर्ड में अपना स्थान है, और यहाँ की भव्यता और यहाँ की प्राचीनता के बारे में यहाँ के पुजारी जी जो कि तीसरी पीढ़ी से यहाँ सेवा दे रहे हैं, आज इनकी तीसरी पीढ़ी है हमारे साथ मौजूद हैं पारिक जी, इसके बारे में बताएंगे इसकी भव्यता के बारे में, प्राचीनता के बारे में और क्या इसकी विशेषताएँ हैं। हनुमान जी का विग्रह जो हाथ में शिवलिंग है, तो रामेश्वरम सेतुवन का जिक्र इसमें रामचरितमानस में और नर्मदा पुराण में मिलता है कि हनुमान जी यहाँ रुके थे कुछ समय के लिए। हनुमान जी खुद स्वयंभू यहीं पे प्रकट हुए, भगवान की महाराज जी ने ओंकार प्रसाद जी पुरोहित ने सेवा करी। महाराज जी मतलब जो आपके दादाजी थे? हाँ, दादाजी स्वप्न आया था, स्वप्न आया था, फिर उन्होंने जो सेवा करी, तो 92 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो 4 घंटे तक कंटिन्यू आंसू मूर्ति में से निकले। काफी आपके दादाजी जो सेवा करते थे उनके, जब वो स्वर्गवासी हुए तो 4 घंटे लगातार उनके इंतकाल, उनके स्वर्गवासी के समय बाबा की आंखों से सतत आंसू बहते रहे हैं। दीपक जोशी है अपने, कैलाश जोशी मुख्यमंत्री, उस समय कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर खड़े रहे वो। एक बहुत ही भव्यता और एक ऐसी प्राचीनता की कहते हैं भक्त भगवान का मिलन किस प्रकार से होता है उसका साक्षात उदाहरण ये मंदिर प्रस्तुत करता है। हर 27 दिन में बाबा का चोलावरण होता है, रोहिणी नक्षत्र में 7-8 हजार लोगों की भोजन प्रसादी भी रहती है। बाबा का भव्य श्रृंगार भोजन प्रसादी, और ये जो रामचरितमानस है ये भी ओंकार प्रसाद जी जो पुरोहित दादाजी थे जी, उन्होंने 76 में प्रारंभ करी जो अभी तक कंटिन्यू। 1976 में स्वर्गीय आपके दादाजी के माध्यम से ही उनके श्री चरणों से, श्री कमलों से यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ था, जो आज तक सतत जारी है और इसका गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज है। इसी मुहूर्त में आप देखेंगे तो बाबा के चरणों में अहिर रावण, जो आप नीचे प्रतिमा देख रहे हैं यह अहिर रावण की है, जिसको कि बाबा ने चरणों में दबाया हुआ है, और ये हाथ में शिवलिंग जो विश्व की एकमात्र मूर्त ऐसी है कि बजरंगबली के हाथ में पूरे विश्व में एक मूर्त है जिसको बाबा ने धारण किया हुआ है। और अंदर महादेव का मंदिर है और नीचे बैकुंठ नारायण है, ये इस पे द्वापर के शिलालेख लगे हुए, तो पांडवकालीन बताया जाता है
उसका फोटो ले लेना। ये मंदिर जो है ये तो त्रेता युग प्रमाण, ये मंदिर त्रेता युग का प्रमाणित मंदिर है। और साथ में यहाँ पे दो मंदिर और हैं जो कि कहा जाता है कि द्वापर युग से उनका संबंध रहा है, पांडव काल से उन मंदिरों का संबंध रहा है। हम दर्शन करेंगे उन मंदिरों को भी और जानेंगे पंडित जी से उसके बारे में कि उनकी क्या विशेषता है और क्या उनकी भव्यता है। भोजनशाला और रहने का सभी प्रकार की व्यवस्था महाराज जी के द्वारा है और परिक्रमा मार्ग भी है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग। अच्छा। आते हैं श्रद्धालु, रुकते भी हैं, उनकी व्यवस्था भी सब बाबा के द्वारा हो जाती है। तो यह की प्राचीनता है, आगे चलते हैं और मंदिर की विशेषताएं देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इस मूर्त के बारे में कहा जाता है कि भक्त जब श्रद्धा से शीश झुकाता है तो प्रभु पल के झपका करके उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसका जी न्यूज और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल पर भी पूर्ण समाचार विस्तृत से बताया गया था। अभी हमारे संग मौजूद हैं निर्मल जी पारिक पंडित जी। बचपन से ही इनका बचपन जन्म भी यहाँ पर हुआ है और बचपन से ही प्रभु की सेवा में लीन हैं आप, और जानना चाहेंगे प्रभु की लीलाओं के और प्रभु के यहाँ की महिमा के बारे में। निर्मल जी, ये द्वापर कालीन शिवालय ही है शिव जी का और ये हनुमान जी त्रेता युग के हैं। और यहाँ पर भक्तों की एक जो जैसे रविवार का दिन या विशेष दिनों में क्या संख्या रहती है? यहाँ लगभग ये मान लो संडे के दिन 1000 से 2000 के समथिंग हो जाते हैं। और महाशिवरात्रि पर? महाशिवरात्रि में विशाल भंडारा होता है 8 से 10 हजार आदमी का। अच्छा, मतलब मान के चले गए पाँव रखने की जगह नहीं मिलती हो? नहीं, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। हनुमान जयंती पे होता है ये मान के चलो 15 से 20 हजार के समथिंग हो जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और एक बेकुंठ चौदस पे होता है प्रोग्राम, उस पर भी यही मान के चलो आप। और ये आरती का समय क्या है पंडित जी? शाम को 7:30 से 8 के बीच में आरती होती है और सुबह 6:30 बजे सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के ही अब पीछे के हिस्से में है जहाँ पर द्वापर युग के महादेव विराजित है। इस मंदिर की प्राचीनता बाहर जो शिलालेख है उनसे दृष्टिगोचर होती है। कहा जाता है मंदिर द्वापर युग का है, बहुत प्राचीन और बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ आने वाले हर भक्तों की मन्नतें दुआएं पूरी होती हैं, कबूल होती हैं। और इसके बाद में हम अगला मंदिर दर्शन करेंगे जहाँ पर की विगत 35 वर्षों से रामायण चल रही है। आइए चलते हैं दूसरे मंदिर पर। इसी मंदिर में ही हमें एक बहुत ही हसमुख मुस्कान ली हुई और दिव्य प्रतिमा माता जी का, जो कि यहाँ आने भक्तों का मन मोह ही लेंगी, इस प्रकार की मुझे दर्शन होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अभी हम सामने देख रहे हैं वैकुंठ नारायण मंदिर। यह मंदिर और बावड़ी जो हम देख रहे हैं ये पांडव कालीन बताई जाती है। ये पांडव कालीन के समय से ही यहाँ पांडव स्वयं यहाँ पर आए थे और तब से ही यहाँ पर इस बावड़ी का उद्गम हुआ। और सामने स्वामीनारायण मंदिर है जिसका कि हमें ग्रंथों के अंदर भी उल्लेख मिलता है। आप जैसा देख सकते हैं कि दिनांक 2 मई 1976 से निरंतर अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं ये वही स्थान है जहां निरंतर अखंड रामायण का पाठ सतत चलता रहता है। आप नित्य प्रतिदिन अखंड रामायण पाठ यहां पर प्रारंभ है बना चल रहा है। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर अखंड रामायण पिछले 1976 से इतने वर्षों से सतत चल रही है। करीब करीब 35 वर्ष का समय इसे माना जा सकता है। यहां आप देखते हैं तो यहां राम, जानकी और लक्ष्मण, हनुमान प्रभु के दर्शन होते हैं, अखंड रामायण के दर्शन होते हैं, अखंड दीप जो चल रही है इसके दर्शन होते हैं। फोक इंडियन कल्चर का सदैव प्रयास रहा है कि आपको ऐसे दिव्य स्थानों के बारे में बताने का। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।